जय हिंद दोस्तों। केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, स्मॉल कैप की है। इसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक में हो क्या रहा है, बिकॉज पिछले दिनों बहुत बड़ा उछाल यहाँ पे देखने मिला है। ऑल्सो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और शेयर बाजार में अभी तक निवेश नहीं किया है या निवेश करने का मन नहीं बनाया है, तो मैं आपसे कह दूँ आपको तुरंत प्रभाव से शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, क्योंकि दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले शेयर बाजार एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। लोग दूसरे एसेट क्लासेस यानी कि गोल्ड में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, बट अगर आप प्रॉपरली हिसाब लगा दोगे पिछले कुछ सालों का, तो बढ़िया रिटर्न शेयर बाजार में ही लोगों ने कमाए हैं। एंड अगर मन बना लिया है शेयर बाजार में निवेश करने का, तो कह दूँ आपको पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। तैयारी का मतलब क्या है? रिसर्च करना है, स्टडी करना है, फंडामेंटल्स को समझना है, टेक्निकल्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी है, एंड जहाँ कॉन्फिडेंस मिलेगा वहीं पे पोजीशन बनानी है। बिकॉज मेहनत का पैसा जो होता है हमारा, उसमें नुकसान तो सबसे पहली बात नहीं होनी चाहिए। नुकसान क्यों होगा? नुकसान तभी होगा जब आप फंड मतलब कोई चीज़ सही तरह से स्टडी नहीं करोगे। एंड अगर आपने स्टडी सही तरह से की है एंड वहाँ पर अगर वो स्टॉक फिर भी गिर गया ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि फंडामेंटली सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एंड आप आराम से होल्ड करोगे। ये होता है आपका कॉन्फिडेंस। सो सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा एंड फिर ही निवेश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल कैप का स्टॉक 670-72 के आसपास का रैंक है। दूसरे फंडामेंटल्स, मार्केट कैप देखिए, सिर्फ 2000 या फिर 2170-77 करोड़ की कंपनी है। बहुत ही कम पी, 35 के पी पे स्टॉक मिल रहा है। 52 वीक लो पौने 600, फिर 52 वीक हाई 1935 के आसपास। अब आगे बढ़ेंगे और क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करेंगे। असली एक्शन जो है यहीं पे है, सारे नंबर करोड्स में है, ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है देख के। एंड हमें क्या क्या चेक करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। एंड यूजुअली हम क्या करते हैं, पिछले 4 क्वार्टर के जो डाटा है उसको कंपेयर करते हैं। इससे पता चलता है पिछले एक साल में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। बट यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिली वो डायरेक्टली आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड जून 2021 में क्या पोस्ट किया है, 37 का। सो यहाँ पे देखिए सितंबर 2018 से मतलब नंबर्स पोस्ट किए हैं। सो 37 जो अब तक का नंबर है वो अब तक का हाईएस्ट नंबर है। आप देख लीजिए 37। सो एक लाइन बताऊंगा, क्लियरली समझ जाइएगा। सितंबर 2018 के बाद सबसे बेस्ट नंबर्स कंपनी ने कभी पोस्ट किए हैं, तो जून 2021 के क्वार्टर में पोस्ट किए हैं। इसको नोट कर लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स ये इसी लाइन में फॉल करते हैं। देख लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32 करोड़ का था। क्या पहले कभी 32 करोड़ का नंबर पोस्ट किया है? नहीं, बेस्ट नंबर। सेम चीज़ नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का था, यहाँ पे देखिए 24 करोड़ पहले कभी था? नहीं। सो बेस्ट नंबर। फिर लास्ट ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, देखिए तकरीबन 19-20 की ईपीएस, यहाँ पे पहले कभी भी पोस्ट नहीं की है। ठीक है, सो नंबर्स में समझ में क्या आ रहा है? सितंबर 2018 के बाद बेस्ट नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किए हैं। नेक्स्ट बैलेंस शीट में हमें चेक करना है बोरिंग्स और कंपनी के पास एसेट्स कितने। सो बोरिंग्स देख लीजिए सिर्फ 88 करोड़ के आसपास। सो 2100 करोड़ का मार्केट कैप, सामने सिर्फ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त कंपनी, ये अवॉइड अवॉइड कर सकते हो आप। फिर कंपनी के पास एसेट्स भी अच्छे हैं, देखिए 450 करोड़ के एसेट्स हैं, जो पिछले 4 साल से देखिए बढ़ोतरी हो रही है, 18, 19, 20, 21। ठीक है, सो इस बात को नोट जरूर कीजिएगा। एंड कर्ज में भी देखिए कमी आई है, 19, 20, 21 कर्ज में भी कमी। ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स आपके सामने। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स बढ़िया होल्डिंग तकरीबन 39.22, विदेशी संस्था है 2.94, घरेलू संस्था है 0.34, सरकार 1% और पब्लिक के पास मेजोरिटी शेयर्स 56.5% की होल्डिंग। सो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी लगती है। एंड अगर 20 सेकंड्स में क्विक रिविजन करेंगे क्या समझ में आता है, 2170 करोड़ का मार्केट कैप है, सामने कर्ज ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, 85-90 करोड़ का कर्ज है, 400 करोड़ के आसपास के एसेट्स है, जो एसेट्स में भी है पिछले 3-4 साल से बढ़ोतरी हो रही है, एंड पिछले 3 साल से कर्ज में भी कमी आ रही है, बढ़िया बात है। और सितंबर 2018 के बाद सबसे बेस्ट नंबर्स कंपनी ने अभी पोस्ट किए हैं, दैट इज़ ये जो साल रहा है उसमें। एंड यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा, प्रमोटर्स के पास बढ़िया होल्डिंग है 39.22% की, एंड पब्लिक के पास 56.5% की होल्डिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स पे, उसके पहले अपडेट। और अपडेट क्या है? अपडेट है ये, अगर आप डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, आप अपना अकाउंट 5paisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अकाउंट ओपन हो जाएगा, KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ₹250 क्रेडिट किए जाएंगे आपके अकाउंट में 5paisa.com द्वारा, एंड उन पैसों से आप आपकी पसंद के शेयर्स आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट, पहले महीने के लिए जो चार्जेस आपको पे करने हैं वो है ₹0 पर ऑर्डर, और पहले महीने के बाद ₹20 पर ऑर्डर। और ये पूरा ऑफर जो है 5paisa.com की तरफ से है, वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। एंड अकाउंट ओपन करने का मन बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड वो हमारा रेफरल लिंक भी है,
ऑल्सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप के चार्ट पे आ गए हैं, ये है चार्ट एंड देख सकते हैं किस तरह से मतलब पिछले महीने में तो आई गेस अगस्त महीने में गजब की तेजी आई है। तो इसको स्टडी करेंगे, क्या समझ में आता है। देखो सबसे पहले बड़ा वाला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था स्टॉक का, बड़ा ब्रेकआउट, एंड जब पिछले साल गिरावट हुई तो इसी के आसपास भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, इसी रेंज के आसपास। ओके, सो ये लाइन को मैं कलर कर देता हूँ रेड। फिर इसके बाद और एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक को मिला यहाँ पर इस रेंज में, एंड स्टॉक ने तब से अब तक ना पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है, एंड स्टॉक में गजब तेजी तब से अब तक देखने मिल रही है। नाउ डेली बेसिस पे चार्ट को कन्वर्ट करेंगे, चार्ट हो गया कन्वर्ट डेली बेसिस पे, एंड अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एंड ये जो लाइन है रेफरेंस के लिए थी, अब मैं निकाल रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे हमको समझ में क्या आ रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से अलग रेंज में चला गया है, उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉक बहुत लंबे समय तक एक ही रेंज में काम कर रहा था, देखो बहुत ही लंबे समय तक एक ही रेंज में काम कर रहा था, फिर स्टॉक निकल गया ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ पे क्या हो गया स्टॉक का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और ब्रेकआउट स्टॉक को मिला, एक और ब्रेकआउट। एंड स्टॉक का ट्रेंड देखेंगे ना, एक बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा और ट्रेंड देखिए स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या समझ में आ रहा है, वो है ऊपर। ओके, इसके बाद और एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक को कहाँ मिला, वो था ये लेवल देखिए इसके आसपास, यहाँ पे स्टॉक को ब्रेकआउट मिल गया, स्टॉक चला गया ऊपर। अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और डिटेलिंग देखेंगे। अब स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई लगा दिया यहाँ पे 1933 रुपये का, एंड अब तक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो भी रेजिस्टेंस बन गया है, और वो लेवल है 31 अगस्त का 1897.1, इसको ध्यान में रखना है 1897.1, एंड ये लाइन को मैं ग्रीन कलर दे दूंगा बिकॉज प्रेजेंट लेवल के ऊपर है ये। सो ट्रेडर्स 1897.1 यहाँ पे आपको थोड़ी कंजेशन देखने मिल सकती है, कंजेशन का मतलब ये है यहाँ पे थोड़ी रुकावट देखने मिल सकती है 1897.1। ओके, इसको कलर में दे देता हूँ ग्रीन। अब यहाँ पे और कन्विक्शन चाहिए आपको तो मैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देख लीजिए स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर ही है, एंड यहाँ पर भी असेंडिंग ट्रायंगल में ही काम कर रहा था, एंड यहाँ पर भी जो है अब असेंडिंग ट्रायंगल में ही काम कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में, बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है एंड वन ऑफ द चीपेस्ट केमिकल स्टॉक मिल रहा है ये, तकरीबन आई गेस 35 के PE पे स्टॉक मिल रहा है, जी हाँ 35 के PE पे स्टॉक मिल रहा है, हमने शुरुआत में देखा था तभी। ठीक है, अब बात करेंगे स्टॉप लॉस के लेवल की, स्टॉप लॉस का लेवल किन के लिए है, जिनके बारे में हमने ऊपर की रेंज बताई अभी उनके लिए, और स्टॉप लॉस का लेवल है 1719.8 या फिर 1720 कह दो, इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं। ये आई गेस ये छोटी सी रेंज है जिसके जिस ये यहाँ पे स्टॉक घूम रहा था, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, वो है 1720, इसको ध्यान में रखो, नीचे की तरफ इसको तोड़ देता है बिकवाली बढ़ सकती है। सो ट्रेडर्स आपकी रेंज डिफाइन हो गई है 1720-1900 रुपये, इसके बीच में जहाँ भी आपको जाते हुए दिखता है पहले वहाँ पे आप कॉन्ट्रा बेट कर सकते हैं एंड अपने रिस्क को समझ के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 1897 या फिर 1900 कहे राउंड फिगर में इसके ऊपर स्टॉक निकल जाता है, निकलने के बाद आने वाले 1 से 1.5 महीने में किस रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, वो है 1990 या फिर 2080, आप 2000 या 2100 भी कह सकते हो राउंड फिगर अगर आपको करना है तो, 2000-2100 इस रेंज के आसपास स्टॉक जा सकता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे जिनको निवेश करना है, जी हाँ सबसे पहले तो मैं कह दूँ निवेश के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये, एंड गिरावट होती है तो जिस रेंज में आप खरीद सकते हो वो है 1685-1485, एंड ये स्टॉक मुझे इतना पसंद आया मैं यहाँ पे तीसरा लेवल भी आपको देने वाला हूँ, इट्स 1250 फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कम से कम 3 महीने के लिए आपको पोजीशन होल्ड करनी है, मिनिमम में कह रहा हूँ, मिनिमम 3 महीने, बाकी आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से प्लान कर सकते हो कितना और होल्ड करना है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, या फिर हर महीने आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है, थोड़े थोड़े शेयर्स आपको खरीदने हैं, एक एक दो दो तीन तीन शेयर्स। एंड ऑल्सो और एक चीज़ कह दूँ, जिन लोगों को स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जैसे मैं खुद हमेशा कहता हूँ, अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क बचाने की जिनमें कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, उनको मैं और एक ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ, वो होता है ये जो स्टॉक है इसके डायरेक्टली कॉम्पिटिटर्स कौन से वो देख लीजिए आप, नंबर वन पे कौन सा स्टॉक है एंड जहाँ पे सभी का इंटरेस्ट बना हुआ है वो है पीडीलाइट। जी हाँ, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, अगर आपको अनसर्टेनिटी से दूर रहना है, स्टेबल स्टॉक के साथ रहना है, तो आपको अगर निवेश करना है, जी हाँ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हर महीने कुछ कुछ स्टॉक्स खरीदने हैं, कुछ कुछ मतलब क्वांटिटी हम इकट्ठा करनी है, तो आप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के साथ रह सकते हैं।
वेरेस पंजाब केमिकल एंड क्रॉप भी अच्छा स्टॉक है बट स्मॉल कैप का स्टॉक है, एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो अनसर्टन होते हैं मार्केट के वॉलेटिलिटी के साथ, ऊपर एंड नीचे लाइक यू नो 10-10, 15-15, 20-20% भी कभी भी निकल सकते हैं। बट ये स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर आपको निवेश करना है लंबी अवधि के लिए तो एज पर योर कैपेसिटी सिस्टमैटिकली इसमें प्लान कीजिए, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझिए एंड टाइम फ्रेम को प्लान कीजिए। टाइम फ्रेम को प्लान करने का मतलब क्या है, ये समझिए कि आपने प्लान किया है कि आपको 2 साल के लिए स्टॉक में निवेश करना है एंड जो पैसे आपको निवेश करने हैं इट इज़ अराउंड 60,000। तो 60,000 को 24 महीनों से डिवाइड कर दीजिए एंड हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आप डालते जाइए। सो इससे होगा ये, अगर गिरावट भी होती है तो आपको अच्छे मतलब आपकी एवरेज प्राइस भी अच्छी हो जाती है एंड 2 साल के बाद जब आप एग्जिट लोगे तो आपके पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको देखने मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जो स्टडी आपके सामने पेश की है आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। एंड आप अगर चाहते हैं मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टडी करूं एंड स्टडी आपके सामने वीडियो के माध्यम से पेश करूं तो स्टॉक का नाम एंड साथ ही टाइम फ्रेम मतलब ड्यूरेशन जिसके लिए आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो उसके साथ आप प्लान करना चाहते हो वो मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।